सागर जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ जहां निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस सवार 14 बच्चों को चोटें आई हैं, इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा है। हादसे के वक्त बस में कुल 40 छात्र सवार थे। स्कूल बस का ड्राइवर नशे की हालत में होना बताया जा रहा है। बस स्कूल से आ रही थी, पहले इसने पुल पड़ता है चन्नी दाव के घर के सामने इसने दो साइकिल वालों को टक्कर मारी। बस ओवर स्पीड में इसने पकड़ी, बाईपास तक में मत देने की, दोनों साइड से बड़े वाहन आ रहे थे। फिर इसने जाके, हम बस के ओनर सोनी जी को फ़ोन लगा रहे थे कि बस मत दी नहीं कर रहा है, ये बहुत तेज चला रहा, तो हम फ़ोन लगा ही पा रहे थे कि इसने जाके पेड़ में मार दी। बस दो बच्चे जो आगे बैठे थे उनको ज़्यादा लगी है, सबको लगी है। पवन पटेल ड्राइवर का नाम है। ये क्राइस्टचर्च स्कूल से लौटते समय एक बस की दुर्घटना हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि प्राइमा फेसी करीब 40 बच्चे इसमें सवार थे और पेड़ से टक्कर होने से बच्चों को चोट पहुंची है। सभी बच्चों को जो है प्राथमिक उपचार दिया गया है। एहतियातन रूप से 14 बच्चों को हमने बीएमसी जिला अस्पताल रेफर किया है ताकि इनका उचित तरीके से इलाज हो सके। और पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि बच्चों को जो है सही तरीके से इलाज मिल जाए, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। ड्राइव